विराजो ज्ञानी। समझ में आ रहा है ना सबको? ये 700 यानी 74वीं गाथा, 734वीं गाथा श्रवण सप्तम में कह रही है, मित्र थोड़ा प्रशंसा करने के पहले ठहरो, निर्णय देने के पहले ठहरो, निर्णय देने के पहले ठहरो, अपने मन में भाव आए ना थोड़ा संभल के सुनना। आप लोग सब जैन हो यहाँ पर? अच्छा, सभी जैन हो, सोनू सभी जैन है आप लोग? यदि जैन है तो मेरी बात को ध्यान दो। हमने सुन के रखा है, आगम में भी पढ़ा है कि जैनी लोग पानी छान के पीते हैं। शुद्ध जैनी होगा तो कभी बिगड़ छना पानी नहीं पीता है। मित्र धन्य आप लोगों की धर्म को, धन्य आपकी करुणा को, कितने विवेकी साकेत पापड़ीवाल। मित्र ये पानी छानने का उद्देश्य, जीवों की रक्षा तो होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी। परस्पर प्रगो जीवाना, जीवों की रक्षा होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी। बोले क्यों? वे जीव छन्ने से छान करके, हम बिलछानी करके वापिस कुएं में भेज देंगे, उनके प्राण बच जाएंगे। उन जीवों को कहीं मेरे उदर में चले जाते और मुझे रोग हो जाता तो मेरे मित्र अपनी भी रक्षा की। जब डॉक्टर के पास जाओ कोरोना जैसे रोग होता तो सारे डॉक्टर बोलते गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। अरे विनोद बढ़ जाता जी, अब ये गर्म पानी पिला रहे हैं, जिनवाणी क्यों नहीं मान ली सनातन काल से? जिनवाणी कब से कह रही है पानी छानो फिर गर्म करो इसके बाद प्रयोग करो, ये जिनवाणी ने सनातन काल से कहा है। संपूर्ण कोरोना के काल में जितनी भी चर्या हुई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपको जीवन बचाना है तो जैनियों के चारित्र का पालन करो। जिनागम कहता किसी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इतना ही नहीं पंडित जी जित भैया, जिनवाणी कह रही पंडित जी थोड़ी दूरी बना के बैठिए, जिनवाणी कह रही है थोड़ी दूरी बना के बैठिए। बोले कैसे? आपने तत्वासूत के सातवें अध्याय में पढ़ा होगा मित्र, सातवें अध्याय में अभी नहीं पढ़ा हो तो अभी 10 दिन पढ़ लेना, और जितनी युवा हैं रायपुर के और देश के बिराजो भैया, इन सारे के सारे युवाओं से कहना विनोद भैया सारे काम छोड़ देना पर तत्वासूत का वाचन मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कारण ये है ना कि कुछ विषय ज्ञान से नहीं पा सकते, सुनो ध्यान से, कुछ विषय अभिषेक ज्ञान से नहीं पा सकते हो, श्रद्धा से पाते। उदाहरण दूं विनोद भैया, अच्छा बिराजो आप तो विनोद भैया, एक अंदर का विषय मैं बताऊं, चाहे सर पंचायत शिकाय का व्याख्यान चल रहा हो, चाहे परमात्म प्रकाश का चल रहा हो, चाहे समय सार जी का चल रहा हो, चाहे श्रवण सप्तम का चल रहा हो, किसी भी आगम ग्रंथ का जब वाचन चलता है तो इन श्रावकों को सारा विषय समझ में नहीं आता, ये सत्य है कि नहीं? समझ में नहीं आता, पर मुझे ये भी भरोसा है जो ग्रंथ हमने विराजमान किया है उसी ग्रंथ को मैं सुरेश मरोरा जी शिवपुरी से कहूँ पंडित जी ये वाचन कर दो, मालूम ये वाचन कर दो तो लोग बैठेंगे, परंतु बैठेंगे अवश्य पर कुछ दिन बाद चले जाएंगे। बोले बहुत कठिन, यहाँ पर ही रायपुर में मालवी रोड पर एक दिन हेमंत काला को पंचायत इकाई का वाचन करेंगे, मैंने बोले पंडित वाचन, मालूम जितने श्रोता बैठे थे भी मेरा चेहरा देखने लग गए, बोले पंडित जी को क्यों दे दिया? अब विशेष समझना, विशेष समझना पंडित जी, वही बात उससे और अच्छी बात आपका बेटा बोल सकता है, उस बात को प्रधानमंत्री जानते ही ना हो, वो आपके बेटे ने, अभी ये बागलीवाल का लड़का था कलकत्ता से आया,
वो कह रहा था महाराज जी जितने पश्चिम बंगाल के नेता भाषण करते हैं ना उसका भाषण बना के मैं देता, लेकिन वो जो बना के दे रहा है वो बोलने खड़ा हो जाए ना कोई कीमत नहीं। ये पद की कीमत, प्रभुत्व शक्ति की कीमत, प्रभुत्व शक्ति की कीमत है। वो प्रयोग होता पंडित जी, आप अभी राष्ट्रपति बन के आओ और फिर आप एक सभी बोलोगे ना यही पंडित ताली बजाएगा और ऐसे हाथ जोड़ जोड़ घूमेगा श्रीमान जी श्रीमान जी श्रीमान जी। मित्र तब लगता है इंसान बड़ा है, इंसान बड़ा है उसका यश बड़ा है, इंसान बड़ा कि यश बड़ा है। पंडित जी इंसान बड़ा समझदार न होता तो यश आया कहां से? यश जो है वो कर्म की प्रगति है। इंसान को बुद्धिजीवी होना चाहिए, जैसे पंडित विश्वास मानो आप जलेबी बनाइए वो अरविंद पहाड़े को खिलाना, वो अपनी देवी से बनवाना वो भी खिलाना, जिसकी चाशनी बढ़िया होगी अरविंद उसकी प्रशंसा करेगा। भले तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो पूछ लो, जिसकी चाशनी बढ़िया हो पंडित मनोरा जी लोग रसगुल्ला बनाते हैं। अब रसगुल्ला नाम से तो वो बोलो महाराज जी रसगुल्ला रसगुल्ला वो ठीक है, अब मालूम चला कि विजय लेके आ गया इधर पांड्य लेके आ गया, अब दोनों ने रसगुल्ले दिए महाराज को और देख रहे कि किसका रसगुल्ला ये अच्छे से ले रहे हैं। बेटा ये मत देखो, बोले हमारा भी तो रसगुल्ला है। अरे रसगुल्ला नाम तुम दोनों के एक से है परंतु दोनों के स्वाद एक से नहीं है, एक में मालूम कड़क तो ठीक है मावा की जगह आटा भरा हुआ है और दूसरे में मेरे मित्र मावा भरा हुआ है, पर नाम क्या केवल बेटा रसगुल्ला। तो बाजार में वो ज्ञान ज्ञानी समझो, बाजार में देश में राष्ट्र में समाज में विश्व में नाम के नाम पर एक बात खरीदी होती है, नाम के नाम पर पंडित साहब एक बात खरीदी होती है, स्वाद के नाम पर बार बार खरीदी होती है। इसलिए ज्ञानियों एक बार तुम नाम से चल जाओगे, अजित जोशी विश्व राष्ट्रीय विश्व का स्तर का जोशी है, ये नाम से एक बार लोग पेपर पढ़ के देख लेंगे कि जोशी नाम का है, परंतु यदि काम नहीं बनाना तो दोबारा कोई नहीं आएगा। और यदि नाम नहीं भी हुआ और किसी का काम हो गया, पंडित विश्वास मानो ऐसे भी आज भारत में लोग हैं जो जंगलों में बैठे हुए हैं, और जंगलों में सुब्रत सागर जी आप भी एक दिन एक जगह गए थे, जंगलों में आप भी एक दिन गए थे मित्र, वो जंगल में बैठा आदमी वो इतना सुंदर काम कर रहा है, इतना सुंदर काम कर रहा है कि लोगों को लाखों की भीड़ जंगल में लग रही है, क्योंकि प्रचार नहीं कर रहा था वस्तु के स्वभाव वास्तविक दे रहा था। एक आदमी जंगल में बैठा हुआ पत्ती देता औषधि, वो औषधि देता है वो जंगल में बैठा हुआ है, वो जंगल में बड़ी बड़ी सिटियों के बम्बई दिल्ली तो छोड़िए विदेश के लोग आ रहे हैं मात्र एक पत्ती लेने के लिए। अब सोचो आप, इसलिए मेरा विचार सुनो आप मरोरथ जी, कभी सपने में आंख में आंसू मत डालना कि मेरे सामने के बच्चे आज टीवियों पे आ रहे हैं, मेरे सामने के बच्चे आज छाए हुए हैं। मित्र यदि आपने आंसू गिरा दिया तो आप सत्य से दूर हो, जब ये बच्चे फेल होंगे तब आपसे ही समझने आएंगे ये विषय कैसा है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है। प्रचार से स्थान तक पहुंच जाना, प्रचार से किसी वस्तु के प्रचार हुआ उसके पास तक चले जाना, लेकिन स्वीकार प्रचार से नहीं करना विचार से करना। शादी हो गई क्या आपकी पंडित साहब? शादी हो गई क्या मित्र? देखने गए थे प्रचार से, देखने गए थे आप प्रचार से, पर शादी हुई विचार से।
वो कहीं प्रचार वाली शादी कर ली होती तो पंडित जी आज पंडितानी तुम्हारे साथ न होती। जितने बच्चे प्रचार की शादी कर रहे हैं उनकी सबकी भग गई। छोटू सही कह रहे हैं, जितने लोग प्रचार की प्रचार से शादी कर ली ना उन सबकी भग गई तलाक, और जिनने प्रचार के से तो देखने गए थे वो विचार से शादी किए वो बिचारी साथ में चल रही है। इसलिए ज्ञानियों मोक्ष मार कह रहा है कि प्रचार का उपदेश अलग है और विचार का उपदेश नीलेश अलग है। इसलिए विचार करके स्वीकार करना, धर्म प्रचार का नहीं है, धर्म विचार का है। विचारो विचारो विराजो ज्ञानी, विचारो बैठ जाओ वहीं ज्ञानी, अभी फिर खड़ा किया जाएगा ना। अच्छा देख ले तेरा पापा कितना खिलाड़ी जीव है, वे दोनों बेटे तुम्हें देखते रहते, आप टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि वे बच्चे मेरे देख नहीं रहे, सब देखते हैं। बोले ज्ञानी जीव तो है बेटा, ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है। क्यों ज्ञानी हो? ज्ञानी है कि नहीं है? हर प्रकार का ज्ञानी है, जो है सो है। बालक अच्छे जो है, अर्जित ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है, पर ज्ञान सीख लेना कुछ कुछ, ठीक है? इतना ज्ञानी तो है, आपने कल बोली ली ना उसने मना नहीं किया। इतनी अपने पिताजी से सीख लेना कि तुम्हारी बेटी भी बोली लें तो आंखें मत दिखाना, आशीर्वाद देना। ओहो ज्ञानी सोनू, उसके पिताजी ने उसको बोल के रखा है कि कहीं 50,000 तक की बोली लगाना चाहो ना तो बेटा तुम लगा देना। ऐसे सबके पिता मिले, तुमने छूट दी कि नहीं? अच्छा तो तुम छूट पापा से मांग लो, जाओ पैर छुआ कोई दुश्मन नहीं है। हो ज्ञानी बैठ जाओ, अब विषय पकड़ना। देखो बढ़िया था जी विनोद, ये क्या है रहस्य है? सीधे सीधे प्रवचन में ये लोग मालूम क्या करते, सो जाते हैं। अब इनको मालूम रहता है पता नहीं किसको खड़ा कर दिया जाएगा, तो सब जगते थे, रवि सेठी तक ऐसे बैठता रहता। नहीं तो ये बहुत सारे लोग सो जाते हैं। तो ये रहस्य ये है कि एक बार एक बच्चा बीमार हो गया, बीमार हुआ तो इतनी कड़वी दवाई थी, और सजल जैसे बच्चा, तो वैद्य था एक तिवारी जी दुर्ग के, वो घीसूलाल मदन कुमार जी थे ना, जब भी कोई वैद्य को ले, जैसे यहाँ पर सोनू लेके आता ना रायपुर में, ऐसे वैद्य को लेके आते थे। बस उनका एक ही वैद्य था उनके पास, सोनू एक तिवारी जी थे। बस भी तिवारी जी क्या करें, रोगी की नाड़ी कम देखते, चेहरा ज़्यादा देखते थे। तो सोनू बीमारगण सागर थे यहाँ पर, और आप कन्नू यहाँ पर ही छोड़ने गए थे कहीं, आप थे साथ में दिल्ली। तो ज्ञानी मालूम क्या हुआ, वो बीमारगण सागर को, विमुख सागर को देखने आए, और चेहरा देख रहे बीमारगण सागर का। अब मेरे से बोले वैद्य जी घीसूलाल जी लेके आए, बोले महाराज जी इतने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते आपको? अब जैसे उनने कहा कितने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते उनको, अब चुल्लक जी इतने विचित्र निकल पड़े, विचित्र इनका नाम है, विचित्र वे थे मालूम। वो वैद्य जी ने क्या किया, उनका हाथ देख लिया ऐसे, बोले भाई तुम तो बहुत ऊंचे जाने वाले हो। बस उनने हाथ क्या देखा ऊंचे जाने वाले हो। अजीत झूठे हाथ मत देखना किसी के, बोले हाथ देखा ऐसे, बोले तुम बहुत ऊंचे जाने वाले। अभी बड़े शांति से मेरे साथ रायपुर में वाचना कर रहे थे, बस वैद्य जी ने हाथ क्या देख दिया, वो तो 2 मिनट भी साता नहीं पकड़ी, मुझे तो दिल्ली जाना है। उन्हें क्यों? बोले तुम्हारे साथ मैं ऊंचा नहीं जा सकता। बोले अब तो मुझे आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास आप छुड़वा दो,
हमने भाई समझ तेरा भाग होगा तो यहीं ऊंचा चला जाएगा। मालूम चुल्लक जी क्या बोले सुब्रसागर जी, बोले मेरी सब समझ में आ रहा है। हमने क्या आ रहा है, बोले आप जैसे बड़े बड़े साधु बैठे विराग सागर जी पास और तुम लोगों के चक्कर में हम आचार्य नहीं बन पाएंगे। चुल्लक जी बोले बड़े आता जी, बोले आप जैसे लोग बैठे हैं और मैंने सुना आप मना कर देते हो, आचार्य विराग साहब जब भी बोले बोले पद दे रहा हूं तो आप मना कर देते हो, पता नहीं आप कब लोगे पर मेरा नंबर कब लगेगा। हम की ज्ञानी तू विश्वास मान, यदि भाग्य है तो आदिवासी भी राष्ट्रपति बन जाता है, और भाग्य नहीं है तो ब्राह्मण पुत्र भी घूमते रहते हैं। इसलिए आपको पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। जब उन्होंने बहुत कहा हमने तो टेंशन मत लो, तुम भगना मत, हम तुम्हें छुड़वा देते। मालूम परिणाम क्या निकला, बेचारे न चुल्लक जी रह पाए ना आचार्य बन पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, वृद्धों की बड़ों की बात मानना सीख लो यदि बड़े होना चाहते हो तो। अपनी डायरी पर नोट कर लेना प्रजाता जी, ये डायरी पर घर में लिख के टंगवा देना, और वहाँ लिख के रखना जहाँ तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु रखी हो, और ऐसी जगह रखना जैसे लोग जमीन में धर गाड़ देते ना, तो कभी परिवार के लोग निकालें बोले हमारे दादा कितनी अच्छी वस्तु रख गए। आप तो चांदी के अथवा सोने के तांबे के पत्र पर लिख के रख देना, जहाँ बहुमूल्य सामग्री वहाँ रख देना। कम से कम जब भी तुम्हारा धन खोलेंगे ना तो साथ में पत्र भी खोल लेंगे। बोले क्या कि जीवन में बड़े होना चाहते हो तो बड़ों की बात मानना सीखो। ये सूत्र जिसने मान लिया विजय विजय हो जाएगी। बढ़ जाते विश्वास मानो, मैंने इतनी सीखा है मात्र, और कुछ नहीं। शास्त्र तो बहुत बाद में पढ़े, पहले मैंने मात्र इतना पढ़ा हुआ है, जो बड़ों की बात मानता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए जीवन में महानता चाहते हो, बड़प्पन चाहते हो, तो मेरे मित्र बड़ों की बात मानना सीख लो। ज्येष्ठ कहें, श्रेष्ठ कहें, तुम कितने श्रेष्ठ हो तब भी श्रेष्ठ बात ज्येष्ठों की मान लेना चाहिए। और जब जब अहंकार आए तो अपने अपने पिताजियों की याद करना, और जब जब मेरे मित्र मन में हीनता आए तब भी पिताजी की याद कर लिया करो। बड़ों की बात कभी टालना मत, चाहे सरवार सागर हो, चाहे साम हो, सदय शमत्व सद्भाव सहज। यानी इन सभी मुनिराजों से कहना है, तुम इतने स्थान तक पहुँचे हो तो गुरु की बात मानी है, इसलिए यहाँ तक आ गए, और यदि प्रभु की बात मान लोगे पूरी तो मेरे मित्र वहीं पहुँचोगे जहाँ प्रभु बैठे हुए। विश्वास मानो, दीवार को नहीं दिखता मैं सीधी कि टेढ़ी, शिल्पकार देखता गुनिया डाल के, शिष्य को नहीं दिखता है मैं सीधा हूं कि टेढ़ा, गुरु देख लेते हैं गुनिया डाल के।